जय हिंद, नमस्कार। राजस्थान के बीकानेर में अग्निवीर योजना का विरोध कर रहे युवाओं पर पुलिस ने भारी लाठीचार्ज कर युवाओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। इस लाठीचार्ज में किसी का सर फूट गया, किसी की पसलियों में अंदरूनी चोट आई है, किसी के हाथ तो किसी के पैर में चोटें आई हैं। देखिए, पुलिस द्वारा किए गए इस लाठीचार्ज का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, तो वहीं राजनीतिक गलियारों में भी इसको लेकर अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। कांग्रेस ने इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि युवाओं पर किया गया है लाठीचार्ज उनके सपनों पर लाठीचार्ज है। बाद में इन घायल युवाओं को इलाज के लिए अस्पताल में भी भर्ती कराया गया। दरअसल बीकानेर में NHY कार्यकर्ता केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान कार्यकर्ता और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। जब यह मामला ज्यादा बढ़ा तो फिर बेकाब हुए छात्रों की भीड़ को RSC के जवानों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। इस घटना में डूंगर कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष हरि गोदारा का सिर फूट गया। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कृष्ण गोदारा को भी चोटें आई हैं। इसके अलावा कई और कार्यकर्ता लाठीचार्ज में घायल हो गए। NHY कार्यकर्ता करीब 1 बजे कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को बैरिकेड्स लगाकर वहां पर रोकने का प्रयास किया, लेकिन जब कार्यकर्ता आगे बढ़ते गए, वो नहीं माने, नहीं रुके, तो फिर पुलिस ने यहां पर लाठीचार्ज किया। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने NHY के कार्यकर्ताओं पर इस लाठीचार्ज का विरोध करते हुए एक्स पर यानी ट्विटर पर लिखा है कि यह युवा सपनों पर लाठीचार्ज है। देखिए, अग्निपथ योजना लागू हुए देश में करीब 21 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक भी इस योजना का विरोध थमा नहीं है। कभी किसी राज्य में तो कभी देश के किसी कोने में इस योजना का विरोध देखने को मिल रहा है। तो वहीं कई राजनीतिक पार्टियों के नेता भी इस योजना का विरोध कर रहे हैं। वो लगातार इसको लेकर अलग अलग तरीकों से विरोध कर रहे हैं, जिसमें कांग्रेस, सपा, आप और भी कई राजनीतिक पार्टियां हैं जो इस योजना का विरोध कर रही हैं। और वो पार्टियां यहां तक भी दावा कर रही हैं कि अगर केंद्र में गठबंधन की सरकार बनती है तो फिर वो इस अग्निवीर योजना को खत्म करके फिर से पुरानी सेना भर्ती प्रक्रिया को लागू करेंगे। देखिए, एक तरफ अग्निपथ योजना का विरोध किया जा रहा है, तो दूसरी ओर युवा इस भर्ती में शामिल होने के लिए दनादन आवेदन किए जा रहे हैं। तो ऐसे में फिर सवाल तो यह बनता है कि जब युवा इस योजना को पसंद कर रहे हैं, वो इस योजना में शामिल होने के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो फिर ये विरोध करने वाले कौन हैं? क्योंकि इसको लेकर इसी तरह का स्टेटमेंट अभी हाल ही में CDS जनरल अनिल चौहान ने भी दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अग्निवीर योजना से ना तो अग्निवीर ही परेशान है, ना तो देश का युवा परेशान है और ना ही हमारे कमांडिंग ऑफिसर को इससे लेकर कोई परेशानी है। जब दोनों को किसी तरह की कोई समस्या नहीं है तो फिर ये विरोध करने वाले कौन है? उन्होंने यह भी कहा था कि ये जो विरोध के स्वर आ रहे हैं, यह सेना के अंदर से नहीं है, ये कुछ बाहरी लोग हैं जो इस योजना का विरोध कर रहे हैं, जिन्हें इससे कोई लेना देना ही नहीं है। अब यहां पर यह सवाल तो फिर बनता है कि अगर युवाओं को अग्निवीर योजना पसंद नहीं है, अगर वो इसका विरोध कर रहे हैं, तो फिर वो उसमें जाने के लिए आवेदन ही क्यों करते? हालांकि इस सवाल पर युवाओं ने पहले भी जवाब दिया था। युवाओं का जवाब होता है कि वो मजबूरी में ऐसा कर रहे हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, यहां पर एक साथ से यह भी है कि अगर युवाओं ने एक बार भी इस भर्ती में शामिल होने के लिए आवेदन नहीं किए होते तो सरकार को जरूर इस योजना पर विचार करना पड़ता। जो जरूरी बदलाव इस योजना में किए जाने चाहिए, जिनकी मांग लगातार युवा कर रहे हैं, वो बदलाव किए जाने को लेकर सरकार जरूर इस पर विचार विमर्श करती अगर युवाओं ने एक बार भी इस भर्ती में शामिल होने के लिए आवेदन नहीं किए होते। हालांकि युवा अभी भी यह उम्मीदें जरूर लगाए बैठे हैं कि सरकार देर सवेर ही सही, लेकिन इस योजना में कुछ नियमों में बदलाव जरूर करेगी, जिससे कि युवाओं को भविष्य में कुछ राहत मिल सके। युवाओं के हित में सरकार जरूर कुछ ऐसा सोचेगी। युवा अभी भी एक आस लगाए बैठे हैं। दोस्तों, आप इस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या सोचते हैं? क्या बीकानेर में छात्र संघ अध्यक्षों पर, युवा नेताओं पर या छात्र नेताओं पर जो लाठीचार्ज किया गया है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी राय कमेंट करके बताएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।